ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा, उत्तराखंड से। इस कुशवाहा आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भिंडी के बारे में बताऊंगा कि किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। भिंडी बहुत ही लाभकारी है। इसके अंदर आपने एक चिपचिपा पदार्थ देखा होगा, वो व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। सब्जी काटने से पहले उसे धो लें। और इसकी तीन प्रकार से सब्ज़ी बनाई जाती है, मैं पहले बता दूं, इसके बाद में इसके गुण और वो चीज़ें बताऊंगा कैसे बनानी है। सब्ज़ी एक हम बनाते हैं सूखी, एक बनाते हैं कुरकुरी, एक बनाते हैं तरीदार। तो भिंडी की सब्ज़ी तरीदार बनाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पानी में इसका जो लेस वाला पदार्थ है वो पानी में ज़्यादा रहेगा और वो हमारे हाथों को साफ करता है और हानिकारक बैक्टीरिया और जितने भी मल है उसको अपने साथ लपेट करके नीचे ले जाता है, यानी कि कब्ज को भी दूर करता है, पेट साफ रखता है। इसमें फाइबर्स, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो और ये ठंडा होता है तासीर इसकी, तो भिंडी खा सकते हैं। हर किसी को खानी चाहिए लेकिन अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। और इन दो लोगों को भिंडी खाने से बचना चाहिए, जिसको पथरी है या ज़्यादा खाने से पथरी हो सकती है। दूसरा, जिनका ब्लड गाढ़ा है, जो ब्लड को पतला करने की औषधि ले रहे हैं, उनको नहीं लेना है। इन दो व्यक्तियों को नहीं लेना है। बाकी अगर किसी को पेट की कोई भयंकर बीमारी है तो उसमें इसको कम मात्रा में लें या फिर अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार लें। और भिंडी देखिए कई प्रकार की होती है। एक देसी भिंडी होती है जो छोटी होती है, साइज में बड़ी होती है। लाए तो हम देसी थे लेकिन यह भी हाइब्रिड ही निकली है, तो इसका बीज मैं बनाता हूँ हर साल घर पे, तो वो भी लगाना है मुझे। तो ये देखेंगे, ये हरी वाली भिंडी है और ये मेरे पास कुछ पौधे लाल भिंडी के हैं। ये आप देखेंगे इसमें फल भी रेड कलर का है, तना भी रेड है, फूल में भी है। और इसी तरीके से दो तीन पेड़ हैं मेरे पास। पेड़ तो ज़्यादा हुए थे लेकिन बचे नहीं, क्योंकि बहुत पहले बो दिया था हमने ठंड में इसे। तो ये बीज बना रहा हूँ इस रेड का, और बाकी ये भिंडी अपने खाने के लिए है। तो इस तरीके से जो भिंडी के फ़ायदे और नुकसान मुझे ज्ञात है मैंने आपको बताया है। इसी के साथ ही आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद। और अगर किसी को इसके लाभकारी उपाय हों तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।